और किसी दूसरे के घर में कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करवा दे, तब तक उनके पेट का खाना हजम नहीं होता है। ऐसे ही नारद जी मंजलोक की यात्रा को करते हुए गए हैं कैलाश पर्वत पर। अभी आपने कथा में सुना होगा, तो कैलाश पर्वत पर नारद जी देख रहे हैं कि भोले बाबा नहीं है। मैया गिरिजा के करीब में गए, गिरिजा से निवेदन किया, आज बाबा कहाँ है मैया? जवाब दिया है, बाबा भ्रमण के लिए गए हुए हैं। और मौका पाते ही नारद ने एक बात कही, माँ हमें ये बताओ कि इस कैलाश पर्वत पर सब लोग कुशल तो हैं? यहाँ सभी लोगों में प्रेम का भाव तो है कि नहीं? कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? भाई भाई में प्रेम है या नहीं है? पिता पुत्र में प्रेम है या नहीं है? तब मैया ने जवाब दिया, बेटा कैसी बात करता है तू? जहां पर देवों के देव महादेव स्वयं विराजमान हो और ऐसी जगह पर भी सुख न मिले तो फिर बेकार है। बेटा यहाँ पर भाई भाई में भी बड़ा प्रेम है, पति पत्नी में भी बड़ा प्रेम है, और पिता पुत्र में जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं उनमें बड़ा प्रेम बताया माने। लेकिन ये बात देवऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी। नारद ने कहा, माँ तुम दुनिया की बातें करती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम दुनिया की बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम दोनों पति पत्नियों में प्रेम है कि नहीं है? गिरिजा मैया बोली, लाला कैसी बात करे है, अरे हमारे पति तो इतने भोले भाले हैं, आज तक कोई बात हमसे नहीं छुपाई। जो गुरुजी मंत्र कान में दिया करते हैं वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन मेरे पिया तो इतने भोले भाले हैं, उन्होंने कभी वो भी नहीं छुपाया। वो भी भोले बाबा ने मुझे प्रेम से बता दिया। तब नारद ने बात को पकड़ते हुए कहा है और जवाब दिया, मैया जब भोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम कह रही हो कि उन्होंने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला भोले बाबा पहने हैं, उस मुंडों की माला में जो सर लगे हैं वो किसके हैं? गिरिजा मैया बोली, लाला जे बात तो न मैंने उनते कभी पूछी है और ना उनने मोए बताई। नारद बोले, मैया न तुमने पूछी है ना उनने बताई है, तो मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, वो तुम्हें जा बातकों कभू बताए वे वारे हैं उना, कभी नहीं बताएंगे। बोले ना, बोले नहीं बताएंगे, तो बेटा मैं तो एक बात बता दूं, आज मैं तो वचन देती हूं, नहीं तो भोजन कभू अपना प्रेम से खाऊंगी ना उन्हें खान दूंगी। बोले सही बताओ। बोले हाँ मैं सच कह रहे हैं। बोले सच कह रहे हो तो सुनो। गिरिजा बोली, लाला आने दे मेरे पति को, और सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि तुम्हारे जो गले में मुंड की माला पड़ी है उसमें सर किसके लगे हैं? बता देंगे तो ठीक है, और नहीं बताएंगे तो मालूम है मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, किसी नदी में डूब के मर जाऊंगी, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो संतरा की टॉफी खा के पट्ट सो जाऊंगी, कभो जगाए नहीं जाऊंगी। हाँ, और बोली गिरिजा, कि आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी बात बताऊंगी, और जो नहीं बतलावे भेद मुए ते फांसी में मर जाऊंगी। बताएंगे और नहीं बताएंगे तो मेरे लाल पिता के घर को जाऊंगी। अरे पूरो जीवन
दऊं, देखी नारद समझ गए अब क्या है, हो गया काम जिस काम के लिए आए। नारद समझ गए कि बारूद में आग लग गई, अब तो एक काम करो यहां से निकलो भाई, में भलाई है। हाँ आहा। सोची अब बारूद में आग लग गई है, कहूं भोले बाबा आए गए तो मामलो गड़बड़ है, तासे पहले ऐसो करो यहां से निकल ले भाई, भलाई है। देखो बुरा नहीं मानना, ऐसे लोग जो होते हैं ना लड़ाई झगड़ा कराने वाले, वो इसी समय की प्रतीक्षा में रहते हैं कि अपना काम बने और हम यहां से निकल जाए। चुपके से धीरे से नारद निकल गए। इधर मैया आराम से बैठी हैं, अचानक से भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देखा कि गिरिजा बैठी हैं, तो भोले बाबा बोले, गिरिजा ओए, गिरिजा ना है कोई उतर दो, बिल्कुल ना है बोली। हाँ फिर आवाज लगाई, गिरिजा। अरे भाई आवाज क्यों नहीं दे रही तुम, क्या हुआ बोलो ना। तो गिरिजा बोली, अब नहीं बोलूंगी। भोले बाबा बोले, कोई बात है कि वैसे ही, अब नहीं बोलूंगी। आ? आ, 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 क्या हुआ? बोले, जवाब दिया, तुम बहुत बड़े छलिया हो, हमें नहीं मालूम है तुम पेट के इतने पापी हो। बोले, क्यों नहीं बोलोगी? तो गिरिजा बोली, सुनो नाथ, अब नहीं बोलूंगी। भोले बाबा बोले, ऐसी का बात है गई, सुना बोलो ही तो बोली, सुनो। अरे अब नहीं बोलूंगी, अरे स्वामी का एक भेद छुपायो, अब नहीं बोलूंगी, स्वामी का एक सभी माताएं बहने भाई सभी ताली बजाओ और प्रेम से गाओ। कह रहे हैं, तुम तो बहुत बड़े कपटी निकले। बोले, क्या हुआ तू बताया, सुनो हम बता रहे हैं तुमने क्या कपट किया है। तो जवाब दिया, सुनो ना, अरे मुंडन माल गले मीटारी मुंडन, माल गले मीटारी
बाबा। अरे नाही भेद दयो त्रिपुरारी, नाही भेद दयो त्रिपुरारी, चेहरो बे सखाऊंगी स्वामी का एक भेद छुपायो, गिरजा ये हमारे ऊपर दोषा आरोपण ना करो, एक बात ये बताओ आज तक हमने तुमसे कोई बात छुपाई? बोले बिल्कुल नहीं छुपाई, लेकिन आज हमें मालूम पड़ा है कि तुम आज एक विशेष बात हमसे छुपाए अब तक पड़े रहे। भोले बाबा ने जवाब दिया, गिरजा ऐसी कौन सी बात है जो हमने तुमसे छुपाई है और आज तुम ये कह रही हो कि मन्नों की माला के बारे में हमने नहीं बताया? तो एक बात बताओ, तुमने ये बात हमसे पूछी कब थी? अरे जब तक कोई बात आप अपने मुख से नहीं कहोगे तो हमें क्या मालूम तुम किस बात के पीछे रूठे पड़े हो, तुम क्या चाहती हो? जवाब दो बाबा, मैं जे चाहती हूं कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है उसके बारे में आप मुझे बताओ। बोले बाबा, बोले मानोगी नहीं? बोले बिल्कुल नहीं माने। और देखो एक बात बताएं, कछु हटें ऐसी होती हैं शास्त्री जी, हाँ उन हटन के बंधन में व्यक्ति जब बंध जाता है तो मामला बिगड़ जाता है। सबसे पहले एक हट है राजहट, राजा ठान ले कि आज पूरी प्रजा को हमें खुशहाल करना है तो वो करेगा, और विचार कर ले कि आज हमें ये काम पर पाबंदी लगानी है तो लगाएगा। सृष्टि और राम किशोर ये दोनों भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं, परमात्मा मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी भंडारे भरते रहे। व्यास मन से बहुत बहुत शुभकामना। तो ऐसे ही होता है राजहट, एक बालहट, बालक जिस चीज के लिए रूठ जाए माता पिता उसकी पूर्ति कराएंगे, ऐसे ही है एक त्रियाहट। और एक हट बताऊं, एक होते चले हट, एक और हट होते चीटा हट। चीटा तुम भूल गए जाइयो घूमबे और चीटा चिपके जाए टूट जाए ऊपर झूठन वालों ना आए। हाँ ऐसे ही माता जी हट पकड़ गईं, बोले मैं तब मानूंगी, पहले मुझे ये बताओ इस माला में जो सर लगे हुए हैं, इस माला में जी सर हैं तो हैं किसके? बोले बाबा, बोले मरी काय को जाती हूं हम वैसे ही बताए दे। बोले आज के इंसान इतने कहां भोले जो बगैर बताए हर बात बता दे। बोले तुम पूछना चाहती हो तो सुनो गिरिजा, जितने भी ये माला में हमारी में जो आप सिर देख रही हो ये सब सिर देवी जी तुम्हारे हैं, ये सिर किसी दूसरे के नहीं है। गिरिजा बोली बाबा जाको मतलब जे है कि मैं इतनी बार मरी गई? बोले बाबा, बोले हाँ तुम इतनी बार मर चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ जो आपके रुंड को छोड़ मुंड काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ, ये मेरी विशेषता है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। सुगिरिजा बोली बाबा एक बात समझ में नहीं आई, तुम हमसे जे कह रहे हो कि जिस सब सर तुम्हारे हैं एती बार तुम मरे गई, और मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ तुम केती बार मरे, तुम एक आध बार मरे के ना है? बोले बाबा, बोले देवी जी हम मर नहीं सकते क्योंकि हम जानते हैं अमर कथा, और अमर कथा का प्रभाव ऐसा होता है जो व्यक्ति सुन लेता है, जो व्यक्ति अमर कथा को जानता है उस व्यक्ति के जन्म और मरण का झंझट सदा सदा के लिए कट जाता है, वो जीवन और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। और इसी मध्यांतर में ये 100 रुपया मान्यवर भैया हरिओम जी हमारे करीब भिजवा रहे हैं। व्यास मन से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
माता रानी भंडारे भरते रहें, इच्छाओं को पूर्ण करें। तो गिरिजा मैया बोली, बाबा तुमने बड़ो हमसे छल किया है, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं। बोले बाबा, बोले एक बात बताओ देवी जी, तुमने आज से पहले हमसे ऐसी बातों को कभी नहीं कहा, लेकिन आज इस बात को कहा है तो कहा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है अपने घर में नारद आ गया हो? बोले बाबा, सब समझ रहे हैं। अब भोले बाबा से जिद पकड़ रही हैं माता गिरिजा और बोली, अब सुनो, तुमने छल किया है किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब, अरे अब न चले गोसिल बटारे मेरो जाने सिकंदा, अब न चले गोसिल आज तक नहीं समझ पाई तुम कितने बड़े कपटी हो, कितने बड़े छली हो। और बोली, अरे घोट तो भाग तुम्हारी, घोट शादी करती रही, पूरा जीवन मेरा निकल गया आपके प्रेम के बंधन में, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? अरे मैं मर मर की जन्म लेती रही, मैं मर मर के जन्म लेती रही, अरे तुम तो बने रहे पठारे रहे हैं, बारे बार नारद तेरी करामात कैसी रही है? अरे भेद दयो है नारी घर का, भेद दयो है नारी घर का, आहा, अरे भेद दयो भैया।